हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव को लेकर प्रचार के साथ नेताओं की जुबानी जंग भी जारी है। मुख्यमंत्री की पत्नी को देहरा से चुनाव लड़वाने को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात कह रही है। अब इस पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पलटवार किया है और भाजपा की बयानबाजी को निराधार करार दिया है। देखेंगे, प्रयास करना हमारा फर्ज है। हम भरी हर क्षेत्र में ये जो 3 हमारे उपचुनाव हो रहे हैं उसमें मैंने जाकर वहाँ पर अनुमान भी लगाया और लगता है कि आज के हालात को देखते, आज की परिस्थिति को देखते हुए अवश्य, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जब भी सत्ता में रही जो काम किए हैं वो अस्मरणीय है। लोग अभी भी याद करते हैं कि ये सारा विकास का कार्य कांग्रेस के शासन में हुआ है। तो इन बातों को याद रखते हुए अवश्य कांग्रेस पार्टी को लोग अपना कीमती वोट देंगे और हमारी ये जो 3 महत्वपूर्ण सीटें इसमें अवश्य हमारे कैंडिडेट्स को विजय बनाएंगे। देहरा से मैम, मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ रही है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं था, मुख्यमंत्री को पत्नी को उतारना पड़ा चुनाव में, देहरा से लोकल कैंडिडेट नहीं मिल पाया। देखिए, बीजेपी को तो जब कुछ और नहीं मिलता तो इस तरीके के आरोप लगाते हैं। वो तो शी इज अ सिटीजन ऑफ दिस, शी कैन फाइट फ्रॉम एनीवेयर। ये क्या मतलब है बोलने का कि कोई और नहीं मिला तो धर्मपत्नी को उतार दिया? ठीक है, शी इज बेसिकली बेस्ड, उनका पियो का उनका घर देहरा में था और उन्होंने बचपन अपना देहरा में बताया, तो इसलिए सभी का व्यू देखते हुए, सर्वे की रोड देखते हुए कांग्रेस पार्टी को लगा कि सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है तो उनको टिकट दिया गया। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।